प्रदेश में पत्रकारों का सबसे बड़ा संघ छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार बघेल, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी भी हैं, इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में जा जाकर छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के संघ के सदस्यों और पदाधिकारियों से मुलाकात कर समीक्षा ले रहे हैं। रविवार को महासमुंद जिला के सरायपाली और रायगढ़ शहर में समीक्षा लिया। इस दौरान एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अखिलेश रात्रि ने कहा, किसी पत्रकार को किसी तरह की समस्या आती है तो उन्हें संकोच होकर प्रदेश अध्यक्ष को बता सकते हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और एकजुट रहकर सभी पत्रकार कार्य करते रहेंगे। वहीं आज सोमवार को जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ और बिलासपुर जिला के पचपीढ़ी में एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों से भेंट मुलाकात कर अध्यक्ष नंद कुमार बघेल समीक्षा लेंगे। रात्रि जी, आज जो है माननीय नंद कुमार बघेल जी के साथ आप भी आए हुए हैं, जहाँ चुनाव का दौर चल रहा है वहीं आपके मीडिया एसोसिएशन पे भी सुनने में आया कि आप लोग बैठक ले रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी, आज सरायपाली में छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन का समीक्षा बैठक रखा गया था माननीय जिलाध्यक्ष आयुष भड़ी हैं उनके नेतृत्व में, और जिस उद्देश्य से बाबू जी से इसमें प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसमें सभी पत्रकारों साथियों को इसमें हम आमंत्रित करते हैं, और किसी प्रकार की कुछ समस्या रहेंगे तो बाबू जी हमेशा पत्रकारों के साथ में रहेंगे, और इस समीक्षा बैठक का यही उद्देश्य है कि हमेशा पत्रकारों के हित में ही काम करना है, और यदि कोई पत्रकार किसी प्रकार की समस्या में है तो बाबू जी से अवगत करवाएंगे, बिल्कुल बाबू जी उनका हेल्प करेंगे। अभी देखने को मिला कि कई संगठन नए नए बन के सामने आए हैं और आपस में ही पत्रकारों में एकता देखने को नहीं मिली, क्या कहेंगे? जी, अब संगठन संगठन की बात है, लेकिन बाबूजी का मकसद है कि सभी संगठन को आपस में लेके चले, और जो संगठन अब नहीं मान रहे हैं उनके लिए भी मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आपस में एक होकर हम काम करेंगे, क्योंकि पत्रकार पत्रकार भाई हैं, और छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन ये चाहता है कि सभी पत्रकार एकजुट होकर छत्तीसगढ़ में एक अच्छे काम की शुरुआत करें। रात्रि जी, देखने को मिलता था कि जो पहले जो पत्रकारिता होती थी वो कलम की धार से होती थी, निष्पक्ष होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं पत्रकारिता जो है व्यवसाय बन कर रह गया, क्या कहेंगे? कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो कहना चाहे तो पैसों के लिए या फिर किसी भी के लिए काम करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन इसको नहीं मानता, और छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन हमारे हमेशा पत्रकारों के हित के लिए है, और हम लोग एक पॉलिटिकल प्रेशर या किसी प्रेशर को एक अगले तरफ रख कर हम पत्रकारों के हित के लिए काम करेंगे और जनताओं की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखेंगे। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।